नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो ये क्या है कि भारत में व्यापक स्तर पर कुपोषण की स्थिति व्याप्त होने के लिए गरीबी सबसे प्रमुख घटक है। उस समस्या के साथ और एक और जुड़ा हुआ तथ्य यह है कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसे लोग अनभिज्ञ हैं। कुपोषण व अन्य लोक स्वास्थ्य की समस्या पर नियंत्रण पाने के पूरक आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोक स्वास्थ्य की समस्या में सुधार लाने का प्रयास किया गया है, जो निम्न है, यानी जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है, लोक स्वास्थ्य जो पोषण है वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है एक कार्यक्रम के थ्रू, और दूसरी चीज़ वो किस तरह से लोगों में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे और भी जो बीमारियां जैसे PEM है, एनीमिया जो अधिकतर लोग ग्रसित रहते हैं महिलाएं, और ये जो रक्तहीनमिया जिसमें कौन सा न्यूट्रिशन उनके लिए सही रहता है, तो वो इनमें बताया गया है और गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं वो भी है इसमें। तो सबसे पहले प्रोग्राम को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं न्यूट्रिशन यानी लोक जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, ये इसमें हमारा जो है जैसे व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम है, तो लोक स्वास्थ्य के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो हमारे ये प्रोग्राम दिए हुए हैं। पहले प्रोग्राम देख लेते हैं कि क्या है। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP, दूसरा है पूरक पोषाहार कार्यक्रम सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, विशेष पोषण कार्यक्रम SNP, ये है आपका स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर आता है संयुक्त कंपोजिट पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम, समन्वित बाल विकास सेवाएं जिसे ICDS बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम क्या है जिसके थ्रू लोगों तक न्यूट्रिशन पहुंचाया जा रहा है। यह प्रोग्राम 1963 में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता यूनिसेफ, खाद्य एवं कृषि संगठन WHO द्वारा की गई। यानी ये जो इसका प्रारंभ कब हुआ, जो ये व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम है ANP, इसका जो प्रारंभ हुआ है 1963 में। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता किसने दी है, एक तो यूनिसेफ है, FAO खाद्य सेवा खाद्य एवं कृषि संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये इन्होंने वित्तीय सहायता दी, पैसे दिए। फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है, धात्री यानी स्तनपान कराने वाली माता, गर्भवती स्त्री माता, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। तो ये मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का कि ये जो लक्षित वर्ग हैं जिसमें धात्री, गर्भवती माता और बच्चे, इनको शामिल किया है, उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, कब, 1963 में। शारीरिक निर्माण में सहायता व संरक्षण, खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना जैसे अंडा, मछली, दूध, सब्जियां और फल आदि, यानी अपने डाइट में इन फूड का को इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना, माताओं और बच्चों को उपरोक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पोषण शिक्षा प्रदान करना। अब बात आती है पूरक पोषाहार कार्यक्रम, विशेष व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम खत्म हो गया, दूसरा प्रोग्राम चलाया गया पूरक पोषाहार कार्यक्रम। गरीबी जो कुपोषण का मूल कारण है, मेन कारण क्या है, गरीबी जो कुपोषण का मेन कारण है, उसका कई प्रकार से निवारण करना होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि परिवार के अन्य सदस्यों को के आहार को आहार बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। ऐसे लक्षित समूह जिसमें 3 वर्ष से कम आयु बच्चे, गर्भावस्था की अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलाएं और पहले 6 माह तक बच्चों का स्तनपान कराने वाली माताएं इनमें शामिल हैं, उनको क्या करना है इसमें, उनको पोषाहार की आपूर्ति करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को घर ले जाने वाला आहार प्रदान किया जाए। माता पिता विशेषकर माताओं को यह समझाने की आवश्यकता है कि उपलब्ध भोजन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए और तथा पेयजल प्रयोग करने का कितना महत्व है। तो
तो ये आ जाता है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। अब देखते हैं मिड डे मील कार्यक्रम, तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1962-63 में, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका कार्ड होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के 6 से 10 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। यानी जो ये बीपीएल वाले हैं उनके बच्चे, 6 से 10 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है मिड डे मील में। इस प्रयास से बच्चों के स्वास्थ्य स्तर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में भी परिवर्तन आएगा। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण आहार देने का कार्यक्रम दो माध्यम से किया जाएगा। दो माध्यम होंगे इसके, पहला तो ये रहेगा बालवाड़ी के थ्रू। बालवाड़ी में कौन से आ जाएंगे, यानी पाँच वर्ष से कम आयु 2 से 4 वर्ष के बच्चे जिसमें रहेंगे कि जो बालवाड़ी के माध्यम से रहेगा, और दूसरा 5 से 9 वर्ष के बच्चे प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से, ठीक है, आहार यानी पोषाहार प्रदान किया जाएगा। तो ये हो जाता है। अब है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये क्या है, ICMR, ठीक है, ICMR द्वारा बच्चों के लिए सिफारिश की गई। किस संस्था के द्वारा, किस परिषद के द्वारा सिफारिश की गई बच्चों के लिए, ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। फिर है पोषणात्मक आवश्यकता का 1/3 यानी 1/3 भाग आहार उपलब्ध कराना और बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करना है। फिर आ जाता है ICDS समन्वित बाल विकास से, इसमें क्या है, बच्चों के बारे में 1974 में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत देश के विकासात्मक प्रयासों में बच्चों को वरीयता देने पर बल दिया गया। ये कब हुआ, 1974-75 में प्रारंभ की गई, ठीक। इसका मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों को जन्म से पूर्व तथा जन्म उपरांत पूरे वृद्धि काल के दौरान पर्याप्त सेवाएं देकर उन्हें शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है ICDS का, कि बच्चे के जन्म से पहले से लेकर के यानी पूरे उसके वृद्धि काल के दौरान, ठीक है, जो भी सेवाएं प्रदान की जाएं जिसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है, करना है। ICDS एक नवोन्मेषी प्रयोगात्मक कार्यक्रम है जिसे 1975 में 33 विकास खंडों में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सबसे निर्धन वर्गों के बच्चों के उत्तर जीविता में वृद्धि करना तथा स्कूल पूर्व बच्चों तथा उनकी माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में वृद्धि करना है। यानी बच्चों के साथ साथ माताओं को भी लक्षित में रखा गया है, ICDS ये कार्य कर रहा है। अब विशेष पोषण कार्यक्रम किया जाता है, विशेष पोषण कार्यक्रम जिसमें समाज के कमजोर वर्ग की शालापूर्व बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषाहार देने के उद्देश्य से केंद्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा, किसकी, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा 1970-71 में, अब बात हो रही है 70-71 में विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया, 1970-71 में, और 71-72 में इस कार्यक्रम का लाभ क्षेत्र बढ़ाकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को यानी एक लक्षित माना गया, उनको तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल कर लिया गया। कब, 1971-72 में, 70-71 में उन्हें मतलब 70-71 में ये चलाया गया प्रोग्राम, और 71-72 में ये जो लक्षित हैं 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल कर लिया गया। पूरक पोषाहार के रूप में बच्चों को 300 कैलोरी, पूरक आहार के रूप में बच्चों को यानी जो बच्चे हैं उनको 300 कैलोरी प्लस 10 ग्राम प्रोटीन, यानी बच्चे जो हो गए उनको 300 किलो कैलोरी प्लस 10 ग्राम प्रोटीन, हाँ प्रोटीन देने की, प्रोटीन तथा गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माता 500 किलो कैलोरी। अब जो माताओं का होगा वुमेन, इनका क्या रहेगा कि 500 किलो कैलोरी और प्लस 25 ग्राम प्रोटीन इनको देने की बात की गई, यानी आहार दिया जाने लगा 300 दिन। अब जो डे रखा गया इनका कि कितने दिन तक ये चलाया जाएगा, वो 300 दिन, ठीक है, 300 दिन का टारगेट रखा गया, पोषाहार दिया गया था। शहरी क्षेत्रों में अब क्या, जो ग्रामीण और शहरी की बात की जाए तो उनमें क्या क्या पोषाहार, जैसे शहरी क्षेत्रों में ब्रेड, डबल रोटी तथा दूध अथवा अन्य संसाधित प्रोसेस्ड भोजन प्रयोग में लाए गए। आदिवासी क्षेत्रों में उत्पादित खाद्य पदार्थों, केयर अथवा बालाहार,
यानी केयर अथवा बालाहार द्वारा उपहार में दिए गए खाद्य पदार्थों उपयोग में लाए गए, जो CFTIR ने बनवाया कब कहाँ मैसूर में। 1975 में ICDS प्रोग्राम प्रारंभ किया गया 1974-75 में, ठीक है। अब बात आती है बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, यह प्रोग्राम भी 1970-71 में प्रारंभ किया गया। बालवाड़ी जो है 1970-71 में प्रारंभ किया गया तथा इसे स्वयंसेवी संगठन हो, ठीक है, जो स्वयंसेवी संगठन है उनके द्वारा क्रियान्वित किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और हरिजन सेवक संघ जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों को सौंपा गया। प्रत्येक बच्चे को पर डे पूरक पोषाहार में 300 किलो कैलोरी प्लस 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाने लगा और यह पोषाहार वर्ष में 280 दिन का उपलब्ध कराया गया। यानी जो ये हमारा पूरक, ये जो हमारा बालवाड़ी है वो, इसमें बच्चों को क्या टारगेट किया गया कि 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, 280 दिन का टारगेट रखा गया। तो ये हो जाता है इस वीडियो में इतना ही, उसके आगे भी और हैं, तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।